हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे लगता है दोस्तों, मुंबई इंडियंस के फ़ैन जो रहे होंगे, आज उनका आखिरी दिन रहा होगा जब ये न्यूज़ सुने होंगे कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया। और क्यों बनाया गया इसके पीछे किसी को नहीं पता। रोहित शर्मा, जिन्होंने 5-5 टाइटल जिताया है मुंबई इंडियंस को, और उनके साथ ये फेयरवेल, ऐसा फेयरवेल ये उम्मीद नहीं था यार। कैप्टन है यार वो, मतलब डिजर्व करते हैं। हार्दिक पांड्या को नहीं हम लोग उस तरह से सोचते हैं कि वो कैप्टन के लायक है। आप बना दिए उधर गुजरात टाइटंस के, बना दिए उसके उस टीम को, हमको आई डोंट केयर। बट मुंबई इंडियंस के लिए सारा दिमाग और मेंटेलिटी हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि मतलब रोहित शर्मा ओनली। रोहित शर्मा के पहले सचिन तेंदुलकर को देख करके मुंबई इंडियंस को फॉलो किया गया था, स्टार्ट किया था, ये बात कोई नकार नहीं सकता। मैं भी नहीं नकार सकता क्योंकि मैंने भी सचिन तेंदुलकर को देखते हुए और उनको बहुत ही अच्छा मानता था। मैं प्लेयर अभी भी मानता हूँ और इस वजह से मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। मैं अपना हिस्ट्री बता रहा हूँ कि इसी यही कारण था मेरा मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना। उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, डेक्कन चार्जर्स जैसे टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, बट मैं उस टाइम सचिन तेंदुलकर की वजह से मैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। फेवरेट मेरे धोनी हैं, बट फिर भी मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा गॉड मानता हूँ क्रिकेट का, तो उस वजह से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मेरे अच्छे लगने लगे, मुंबई इंडियंस में आकर के रिप्रेजेंट करने लगे रोहित शर्मा का बहुत अच्छा रहता था क्रिकेट, वो भी अच्छा है जब कैप्टनशिप संभाले तो बहुत अच्छा से लीड कर रहे थे। बट अभी जो क्या क्या डिसीजन आया है, मतलब हार्दिक पांड्या न्यू कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, एक दिन में 4 लाख मतलब फैन पेज मुंबई इंडियंस से अनफॉलो कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अभी तो और बाकी है कुछ तो आप देखेंगे कि जो मुंबई इंडियंस का जर्सी है उसको जला रहे हैं। क्यों ना जलाएं भाई, क्योंकि एक इमोशन से जुड़ जाता है ना। यहाँ किसी को इमोशन से कोई किसी को परवाह नहीं हो रहा है कि हम लोग इमोशन हर्ट हो रहे हैं। अभी भी वर्ल्ड कप से हारे हैं तो उसका भी दर्द गया नहीं है। वो खुद प्लेयर के अंदर भी ऐसा हुआ होगा, अभी उसके अंदर भी अभी ऐसा बाहर नहीं आए होंगे, बट स्टिल आप लोग एक से एक मतलब बड़ा बड़ा एक्शन लेते जा रहे हैं। मतलब क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है वो तो आप ही लोग जानो। ऐसा सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी इमोशंस, इंडियन फैंस के इमोशंस के बारे में भी सोचना चाहिए। सो दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डिसीजन जो था मुंबई इंडियन की तरफ से जो लिया गया है वो कैसा है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो बहुत ही वर्स्ट था। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।